हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। काफ़ी दिनों से एक हवा चल गई है यूट्यूब में आर्टिकल 13 को लेके। ये एक टेंशन वाली बात तो ज़रूर है फ्रेंड्स, पर इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रिएक्ट करना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके वीडियोज़ में इफ़ेक्ट ना पड़े। किस बात का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप बच सकते हैं आर्टिकल 13 से, आज मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा और वो भी बहुत सिंपल वे में। और ये चीज़ होने के बाद फ्रेंड्स, YouTube ने अपनी दो मेजर अपडेट निकाली है। वो कौन सी अपडेट है उसके बारे में भी बताऊंगा। जहां एक गुड न्यूज़ है वहीं एक बैड न्यूज़ भी है। आर्टिकल 13 अगर लॉ बनता है तो हमारे लिए ये एक बैड न्यूज़ है, पर अभी मैं बात करूंगा सिर्फ आर्टिकल 13 के बारे में। अभी तक ऐसा होता है जब हम YouTube के अंदर कोई वीडियो डालते हैं, YouTube का लॉ है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ब्लॉगर के टेम्पलेट के बारे में बता रहा हूँ या फिर किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो उस बेसिस पे मेरे को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। पर आर्टिकल 13 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यूरोप के पार्लियामेंट में काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर बहस चल रही थी। यूरोप कंट्री में काफ़ी ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट है। वो चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट को कोई भी ऐसा यूज़ ना करे, भले वो सिखाने के पर्पज से ही वीडियो बना रहा है, पर हमारे प्रोडक्ट को वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म और भी है, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट को या हमारे किसी डिज़ाइन को, टेम्पलेट को या किसी भी XYZ चीज़ को वो ना दिखाएं। इसी को लेके काफ़ी टाइम से यूरोप के पार्लियामेंट में काफ़ी बहस चल रही थी और फिर बाद में ये डिसीजन निकला कि इसके ऊपर हम वोटिंग करें। और अभी हाल ही में फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही वहाँ पे वोटिंग हुई है और वोटिंग में वो कंपनीज जीत गई है जो नहीं चाहती कि हमारे प्रोडक्ट को या फिर हमारे किसी भी चीज़ को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में दिखाया जाए। ये बात हम लोगों के लिए थोड़ी टेंशन वाली तो ज़रूर है, पर फ्रेंड्स एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ मेरा या आपका चैनल नहीं, कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोई म्यूज़िक, कोई इमेज या थंबनेल में कोई इमेज लगाई होगी, या अपने वीडियो में किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी थीम का, प्लगइन का कोई भी ट्यूटोरियल बनाया है, तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। अगर चैनल बंद होगा तो सबका बंद होगा, अगर वीडियोस कुछ डिलीट होंगे तो वो सबके डिलीट होंगे। पर अभी भी फ्रेंड्स थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, क्योंकि 19 जनवरी 2019 को 19 जनवरी को फिर से वोटिंग होनी है। वो वोटिंग इसलिए होनी है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर YouTube जैसे चैनल्स में हमारे वीडियोस को इफेक्ट पड़ेगा तो वो इफेक्ट सिर्फ हमारे वीडियोस को नहीं पड़ेगा, हमारे चैनल पे नहीं पड़ेगा, YouTube की इनकम है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड होगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो चैनल्स हैं वही बंद होंगे। एक बार फिर से वोटिंग होगी 19 जनवरी 2019 को। अगर उस वोटिंग में भी वही कंपनीज फिर से जीत जाती है तो इट मीन्स आर्टिकल 13 का लॉ बनना, मीन्स आर्टिकल 13 का कानून बनना तय है। और जैसे ही ये आर्टिकल 13 का कानून बनेगा फ्रेंड्स, उसके बाद जितने भी ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंटेंट है, इमेज है, म्यूजिक है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, वो वीडियोस यूट्यूब डिलीट कर देगा। सिर्फ वीडियो डिलीट होंगे या उसके साथ साथ चैनल्स के भी ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। इसलिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक अपना वीडियो बनाया और उसको अपने चैनल में अपलोड कराया, जिसमें ये क्लियर बताया गया है कि अब आप जो वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी ऐसा कंटेंट ना अपलोड करें जिससे कि 19 जनवरी को जो फिर से वोटिंग होने वाली है वो उनके फेवर में चले जाए। अगर आप ऐसे वीडियोज अभी से नहीं डालेंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका इफेक्ट उस 19th की वोटिंग में हो। अभी भी एक मौका है, अभी भी एक ऐसा चांस है जिससे कि आर्टिकल 13 रुक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आप यही ट्राई करिए, ऐसे वीडियोस ना डालिए जिसके अंदर आपको कोई कॉपीराइट कंटेंट डालना पड़े। अगर आप थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो काफ़ी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहां से आप इमेजेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो एडिटिंग करना चाहे वो आप आराम से कर सकते हैं। और 19 जनवरी को वोटिंग के बाद अगर वो कंपनीज फिर से जीत जाती है तो फ्रेंड्स लॉ बनने में से कम 2 साल लगेंगे। उस 2 साल के अंदर कौन कौन सी अपडेट्स आएंगी यूट्यूब की तरफ से, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। पर आज मैं आपको ऐसी 2 मेजर अपडेट्स बताऊंगा। इस टेंशन वाली न्यूज़ के बाद आपको छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। अभी तक आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक आती थी उसमें सिर्फ एक मैसेज आता था, पर हमें उस मैसेज से ये नहीं पता लगता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक किस वजह से आई है। तो गूगल ने अभी अपडेट करा है कि अब वो आपको प्रॉपर रीज़न बताएगी कि जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ रही है, और उससे आपको ये हेल्प मिलेगी
कि जब आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप वो दोबारा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे न्यू कमर्स होते हैं, उनको पता नहीं लगता, वो अपलोड कर देते हैं और उनको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, पर वो समझ नहीं पाते, वो फिर से अपलोड करते हैं। और आप सब जानते हैं जहाँ पे सेकंड स्ट्राइक आती है अपलोडिंग की ऑप्शन चली जाती है और थर्ड स्ट्राइक में आपका चैनल बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक में ही पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्ट्राइक आ गई है, तो मे बी अपने नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करें। और जो सेकंड मेजर अपडेट है यूट्यूब की फ्रेंड्स, वो तो बहुत अच्छी अपडेट है। आप सब जानते हैं जब आप 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है जिससे आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं। पर फ्रेंड्स, अब आने वाले दिनों में अगर आपका वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा का है तो आपको उसमें भी मल्टीपल एड्स की ऑप्शन मिलेगी, मतलब अब आपकी इनकम और ज़्यादा होने वाली है। नॉर्मली जो वीडियो होते हैं 6 मिनट 7 मिनट तक के होते हैं, पर उसमें हमें एड्स नहीं मिलती है, जैसे हमें 10 मिनट्स के बाद एड्स की ऑप्शन मिलती है। पर अगर आपका वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा का है तो फ्रेंड्स, अब आपको सेम वही ऑप्शन मिलेगी। अब उस ऑप्शन को ये कैसे अपडेट करेंगे, कि आप मैनुअल ऐड करेंगे जैसे हम नॉर्मली अब करते हैं, या फिर ऑटोमेटिक शो करेगी, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसी मेजर अपडेट्स हैं जो इतनी टेंशन के बाद एक छोटी सी फेस में स्माइल ज़रूर लेके आएगी। हो सके तो आप सब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, कि वो भी ऐसी कोई गलती ना करे जिससे आर्टिकल 13 एक लॉ बन जाए। इससे रिलेटेड जो भी आने वाले टाइम में अपडेट होगी, मैं वो आपको ज़रूर देता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।